संत वही है जो अंतरंग और बहिरंग से समता और संयम से अपने जीवन को अलंकृत करे। संत के लिए आगम चक्खु साहु, प्रवचन सार में चारित्र अधिकार में जो कहा गया है, आगम ही जिसका प्राण है वही श्रवण है। जो शारीरिक श्रवण, मानसिक श्रवण और बौद्धिक श्रवण करता हो वही सच्चा श्रवण है। शारीरिक श्रम तपस्या आदि, बौद्धिक श्रवण वह ग्रंथों का पठन पाठन करता हो, समता और समाधि का जो साधन वही सच्चा श्रवण होता है, वही सच्चा आत्म साधक। जो परमात्मा की तो आराधना करता हो, आत्मा की जो साधना करता हो, और जिनवाणी और गुरुओं की जो उपासना करता हो, धर्म की जो प्रभावना करता हो, उसे ही संत कहते हैं। ऐसा ही संत भगवंत है, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर महाराज। मैं तो यह कहता हूं जिनकी संत की वाणी में ही आध्यात्मिकता होना चाहिए, विचारों में वितरागता होना चाहिए और उसके आचारों में यत्नाचार पूर्वक चारित और चर्या होना चाहिए, यह संत का ही लक्षण है। ऐसे संत सम्यक से और संयम से और समता के जो धनी है, ऐसे आचार्य श्री विशुद्ध सागर। विशुद्ध सागर तो संपूर्ण आत्माओं को विशुद्ध का सागर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को क्षयोपशम लब्धि विशुद्धि लब्धि देशना लब्धि प्रायोगिक लब्धि और कर्म लब्धि करता है, तब भी उसके परिणामों की विशुद्धि का जब वह सागर बनता है, तभी वह सम्यक को प्राप्त करता है। और जब सम्यक प्राप्त करके चतुर्गुण स्थान से जब वह प्रमत्त गुण स्थान और अप्रमत्त गुण स्थान जाता है, उस समय भी उसकी विशुद्धि ही बढ़ती है, तब भी उसे विशुद्धि का सागर बनना ही पड़ेगा। और जब वह श्रेणी आरूढ़ होता है, अपूर्व कर्ण गुण स्थान जब आठ में पहुंचता है, तब भी उसके परिणामों की विशुद्धि ही होती है। और जब वह भेद विज्ञानी केवल ज्ञानी होता है, उस समय भी उसके परिणामों की विशुद्धि होती है। ऐसे विशुद्धि के जो सागर हैं, मैं तो यह कहता हूं इनकी मति जो श्रुत आराधना में लगी हुई है, यही इनका यह द्रव्य श्रुत ही नियम से भाव श्रुत का कारण है, और भाव श्रुत ही भेद विज्ञान का कारण है। और भेद विज्ञान ही स्वात्मानी भूति प्राप्ति करता है, और स्वात्मानी भूति ही एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम यही चाहते हैं विशुद्ध सागर महाराज का जन्म कल्याणक मनाया जाए। भारत में जितने संत हैं उनसे उनके सब जन्म कल्याणक बनाए मनाए जाए, उनके परिणामों में कितनी विशुद्धि और श्रद्धान होगी, वह छाए सम्य दृष्टि बन जाए, वह इतना उनका श्रुत ज्ञान इतना विशुद्ध हो कि वह केवल ज्ञानी बन जाए, उनका चारित्र चर्या इतनी और विशुद्ध हो जाए कि यथाख्यात चारित्र के वह धारी बन जाए, जिन्होंने जिन धर्म को आत्मसात करके अपनी आत्म कल्याण किया है, जिन धर्म की प्रभावना
और जो भावना के साथ कर रहे हैं वह आर्ष परंपरा का और आगम का संरक्षण और संवर्धन करते हैं। ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी के लिए मूलाचार में गाथा नंबर 246 जो है पंचाचार अधिकार की, इसका फल इनको जरूर मिलेगा। विनय सुदमधीतम जदि पमादेण होई विस्तरितम तम वट्ठदे पर भवे के वदनानम चावदी। यह शुद्ध ज्ञान ही यदि अभी विस्मृत हो जाता है वही अगले जन्म में केवल ज्ञान का और आत्मसिद्धि का कारण बनता है। इनकी मति इतनी श्रुत ज्ञान में लगी हुई है तो इनको निश्चित है भविष्य में सिद्ध गति प्राप्त हो, इनके रत्नात्रय की अभिवृद्धि हो, खूब इनका समाज को और संतों को सानिध्य मिले, उनका जीवन मांगलिक हो। इसी मंगल कामना से इस महोत्सव के करने वाले सभी महानुभावों को हमारा बहुत बहुत मांगलिक आशीर्वाद। आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। देवलो परम पूज्य सप्तम भट्टाचार्य परंपरा गौरव चारित्र शिरोमणि आचार्य अनेकानंद सागर जी महाराज की जय।